नमस्कार दोस्तों, मैं सुकुमार आपका फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ASP इन्फो हब में। दोस्तों, अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आप तक मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुंच सके जल्द से जल्द। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ट्रेन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो श्री माता वैष्णो देवी कटरा और ऋषिकेश के बीच चल रही है। दोस्तों, इस ट्रेन का नाम है हेमकुंट एक्सप्रेस। दोस्तों, जब यह ट्रेन श्री माता वैष्णो देवी कटरा से ऋषिकेश की तरफ जाती है तब इसका नंबर होता है 14610, और जब यह ट्रेन ऋषिकेश से श्री माता वैष्णो देवी कटरा की तरफ जाती है तब इसका नंबर होता है 14609। दोस्तों, इस ट्रेन की रैक शेयरिंग किसी ट्रेन के साथ नहीं है, इस ट्रेन के दो डेडिकेटेड रैक हैं। दोस्तों, इस ट्रेन को श्री माता वैष्णो देवी कटरा से ऋषिकेश की तरफ ले जाने का काम ज़्यादातर गाजियाबाद बेस्ड इलेक्ट्रिक इंजन WAP-7 करता है। अब चलिए दोस्तों, देख लेते हैं इस ट्रेन में कौन कौन से कोच हैं। दोस्तों, इस ट्रेन के सभी कोच LHB रैक के हैं, दो EOG कोच हैं, तीन जनरल कोच हैं, 9 स्लीपर कोच हैं, तीन थर्ड एसी के कोच हैं, दो सेकेंड एसी के कोच हैं। टोटल दोस्तों इस ट्रेन में 19 कोच हैं। दोस्तों, यह ट्रेन श्री माता वैष्णो देवी कटरा से ऋषिकेश के बीच का डिस्टेंस जो कि 679 किलोमीटर का है 16 घंटे 5 मिनट में पूरा करती है। इस बीच दोस्तों यह ट्रेन 18 रेलवे स्टेशनों पर रुकती है और 106 इंटरमीडिएट रेलवे स्टेशनों पर नहीं रुकती है। इस बीच दोस्तों इस ट्रेन की एवरेज स्पीड 42 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से होती है और मैक्सिमम दोस्तों इस ट्रेन को 110 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से भी चलाया जा सकता है। दोस्तों, यह ट्रेन श्री माता वैष्णो देवी कटरा से ऋषिकेश की तरफ रोजाना जाती है। अब चलिए दोस्तों, देख लेते हैं यह ट्रेन कौन कौन से रेलवे स्टेशनों से होकर गुजरती है। जैसा कि दोस्तों यह ट्रेन श्री माता वैष्णो देवी कटरा से चलती है, फिर उधमपुर पहुंचती है, फिर जम्मू तवी पहुंचती है, फिर सांबा पहुंचती है, फिर हीरानगर पहुंचती है, फिर कठुआ पहुंचती है, फिर पठानकोट कैंट पहुंचती है, फिर मुकेरिया पहुंचती है, फिर जलंधर कैंट जंक्शन पहुंचती है, फिर लुधियाना जंक्शन पहुंचती है, फिर SAS नगर मोहाली पहुंचती है, फिर चंडीगढ़ जंक्शन पहुंचती है, फिर अम्बाला कैंट जंक्शन पहुंचती है, फिर यमुनानगर जगाधरी पहुंचती है, फिर सहारनपुर जंक्शन पहुंचती है, फिर रुड़की पहुंचती है, फिर हरिद्वार पहुंचती है, फिर रायवाला जंक्शन पहुंचती है, फिर वीरभद्रा पहुंचती है और फिर अपने डेस्टिनेशन स्थल ऋषिकेश पहुँच जाती है। तो दोस्तों, इस ट्रेन की जनरल इन्फॉर्मेशन के बाद आइए देख लेते हैं इस ट्रेन की स्पीड। दोस्तों, इस वीडियो में आपने इस ट्रेन के जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में जाना और इस ट्रेन की स्पीड को देखा। दोस्तों, इस वीडियो में आपको इस ट्रेन के टाइम टेबल और किराए की जानकारी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि दोस्तों किराया कभी भी घट या बढ़ सकता है और टाइम टेबल कभी भी चेंज हो सकता है। और दोस्तों, जैसा कि यह कोरोना का समय चल रहा है तो यात्रा के लिए स्टेशन पर आने से पहले ट्रेन के आने की जानकारी अवश्य ले लें और आप यह जानकारी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर ले सकते हैं और अपनी ट्रेन के आने का कन्फर्मेशन मिलने के बाद ही स्टेशन पर आएँ और यात्रा के दौरान मास्क अवश्य पहने, सामाजिक दूरी का पालन करें और अपनी यात्रा को सावधानीपूर्वक पूरा करें। तो दोस्तों, आपको यह मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आप तक मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँच सके जल्द से जल्द। धन्यवाद दोस्तों।